ये क्या है? संभव। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफी टाइम से अपन जो है क्यू एन ए वीडियो नहीं करे, तो सोचा आज कर ही देते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिक करा, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ नेक्स्ट क्यू एन ए के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसी वीडियो के नीचे अपना जो है कॉमेंट आप कर सकते। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 15,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज है अपन। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आज कल में जो हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ जो है गिवअवे भी आने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है आदित्य भाई ने। भाई बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक आफ्टर लॉन्चिंग 14 सीरीज, व्हाट इज द प्राइस ड्रॉप ऑफ आईफोन 12 एंड आईफोन 12 मिनी इन बिग बिलियन डे सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। इस टॉपिक पे ऑलरेडी फुल वीडियो है चैनल के ऊपर, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेजिंग शॉर्ट्स का। भाई के टोटल 3 क्वेश्चन है। भाई बोल रहे हैं कि हाउ टू बाय आईफोन्स फ्रॉम दुबई, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है चैनल के ऊपर। सिंपल सा इस टॉपिक पे जो सर्च करो YouTube पे और बाद में एप्पल एक्सप्लेन टाइप कर देना, मेरा वीडियो जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। बेस्ट यूज्ड iPhone under 20 के, तो 20,000 में आपको iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, even आपको iPhone 10 भी जो है मिल जाएगा। iPad mini 6th generation in Big Billion Day Sale। अगर आप प्राइसिंग पूछो तो मैं उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है iPads वगैरह, MacBook वगैरह का, iPhone का मैं आपको बता सकता हूँ। फिर भी उस टाइम पे आता है तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में मर्फे की अगर गाने की आवाज आ रही है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना, क्योंकि घर के बाहर जो मेरे बाजू वाले की शादी है काफी ज्यादा जल्दी है, थोड़ा सा जो है अवॉइड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभित का। भाई बोल रहे हैं कि iPhone 13 के ऊपर जो है HDFC का डिस्काउंट मिलेगा क्या बिग बिलियन डे सेल के अंदर, और कुछ यूट्यूबर्स का बोलना है कि iPhone 13 का जो प्राइस बढ़ सकता है बिग बिलियन डे सेल के अंदर, बिकॉज iPhone 14 का जो है प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है। एडिट आई एम योर रेगुलर सपोर्टर फ्रॉम जनवरी, कीप गोइंग। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। और यहाँ पे हाँ, अगर iPhone 14 का प्राइस इस साल अगर बढ़ता है तो कुछ ना कुछ हमको प्राइस जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा iPhone 13 के अंदर। जैसे कि हमने बात किया 40 से 50,000 रुपीज आ सकता है, तो और 3-4 हजार 5 हजार इसका प्राइस बढ़ सकता है अगर iPhone 14 का प्राइस अगर इस साल ज्यादा होता है तो। आई होप कि नॉन प्रो मॉडल्स का प्राइस एप्पल जो है सेम रखे। अगर आपको बढ़ाना है तो जो है आपको प्रो मॉडल जैसे कि 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स है, उसका प्राइस अगर आप बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। बट नॉन प्रो जो मॉडल्स है, एप्पल आपसे रिक्वेस्ट है, हम सब गरीब जो है आईफोन यूजर्स है, कि प्राइसिंग जो है सेम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMK121 का। भाई बोल रहे हैं कि DSLR कैमरा वर्सेस आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स बेस्ट इन फोटोग्राफी। तो देखो DSLR जो है अलग लेवल की चीज है, उसके अंदर बड़े बड़े ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेंसेज रहते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो लेंसेज छोटे, फोटो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी डिपेंड करती है सेंसर की क्वालिटी और सेंसर कितना बड़ा है। तो DSLR का कैमरे का जो सेंसर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली DSLR कैमरे की फोटो आपको जो है ज्यादा अच्छी लगेगी कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। अगर आप आईफोन 13 प्रो 14 प्रो मैक्स में अगर कंफ्यूज है फोटोग्राफी के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे आप एक जो है आईफोन ही परचेस करना, लेकिन सिर्फ आपको फोटोग्राफी ही करनी है तो DSLR मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरू धकाने का। अगर नाम गलत पढ़ो तो ब्रो आई एम रियली सॉरी। भाई बोल रहे हैं कि आईफोन 12 मिनी बैटरी सेविंग एंड हीटिंग टिप्स ब्रो, लॉट्स ऑफ लव। तो इसके ऊपर भी अपने चैनल पे वीडियो है, आप लोग जो बोलते एक बार जाए यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लेना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। बाजू में जाए एप्पल एक्सप्लेन जो है आप टाइप कर देना, आपको जो है मेरा वीडियो जरूर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज संडे है, संडे के दिन आप सब लोगों का क्या प्लान रहता है मुझे कमेंट करके बताना। मेरा बताऊं तो अब तक मस्त सोके में उठा और अब जो है आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं। सैटरडे संडे ज्यादा जो है मैं मतलब वर्क ज्यादा नहीं करता हूं, मतलब रेस्ट करता हूं, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग का काम प्लस जो है अपना यूट्यूब रहता, तो इसी रीजन की वजह से मैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे जो मूवीज वगैरह ज्यादा देखता हूं। आप लोग का संडे के दिन क्या प्लान रहता है, बाहर कहीं घूमने जाते या जो है फैमिली के साथ या घर में ही रहते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वॉरेन बफेट को तो आप लोग जानते होंगे, ये एक बड़े इन्वेस्टर है, आप सबको पता ही होगा। इनका कहना यह है कि जब लोग डरते हैं तो उस टाइम पे जो है हमको ग्रीडी होना है, और जब लोग जो है ग्रीडी होते हैं तो उस टाइम पे हमको डरना है। अभी आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट में जो है काफी ज्यादा जो मतलब फॉल आया हुआ है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट जो अपना स्टार्ट करना चाहते हो, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, महीना 5 से 10 हजार रुपए सेव कर लेते हो या हर दिन आप 200-300 रुपए सेव कर लेते हो, तो आपको अभी से जो इन्वेस्टमेंट का अपना जो गोल है उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए अगले 5 साल तक। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा CoinSwitch कुबेर ऐप। इसके अंदर मतलब ये क्रिप्टो करेंसी का ऐप है, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन वगैरह में आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें आप इजीली जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा CoinSwitch कुबेर ऐप का, जो कि एक बेस्ट एप्लीकेशन है। डाउनलोड करके आपको 150 रुपीज का BTC जो है फ्री में मिल जाएगा। इजीली आप इसमें जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, इजीली विड्रॉल कर सकते हैं, इंस्टेंट हो जाता है। इवन आप 100 रुपीज इसमें जो है बिटकॉइन वगैरह परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप जरूर डाउनलोड कर लेना।
और अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लान उसको जरूर जो है आप फॉलो करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रॉबिन सिंह धैया का, जो कि हमारे काफी ज्यादा जो है पुराने सब्सक्राइबर्स है। आई नो काफी कम क्वेश्चन यहाँ पे मैं पिक करा, बट नेक्स्ट संडे से ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम यहाँ पे मैं क्वेश्चन पिक करूं। भाई बोल रहे हैं कि भाई सही काम कर रहे हो और बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं। आई नो आप पुराने सब्सक्राइबर, मेरे को मालूम है। आईफोन या कोई भी एप्पल प्रोडक्ट हम अगर ऑनलाइन मंगाते तो रिटर्न का ऑप्शन वहां पे नहीं मिलता होता है। अगर ऐसे में कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, और इतने पैसे देने के बाद भी प्रोडक्ट अपने पास कम, इतने पैसे देने के बाद भी वो प्रोडक्ट आपने किसी यूज का नहीं रहेगा, ऐसा क्यों होता है? इसका कोई अदर ऑल्टरनेट बताओ। कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन जब हम मंगाते तो रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता है, अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया तो जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस फ्लिपकार्ट ने अपनी जो पॉलिसी है उसको अपडेट कर दिया, ओपन बॉक्स डिलीवरी ले सकते हैं अगर फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। तो कोई भी चीज जैसे कि बड़े बड़े जैसे महंगे आईफोन होते हैं वहां पे आप पहले जो है चेक कर लेना, अगर आपको पसंद है, मतलब अगर आप सेटिस्फाई तभी आप ओटीपी देंगे तो जो है वो डिलीवर होगा। अगर आपको डिफेक्टिव लगता है तो आप लोग जो है ओटीपी नहीं देंगे तो वो डिलीवर नहीं होगा। ये पॉलिसी है जो है फ्लिपकार्ट लेके आया, बट रिटर्न पॉलिसी मैक्सिमम जो होती है, जितने भी मैं प्रोडक्ट्स अभी तक मंगाया हूं मेरे को रिटर्न पॉलिसी मिली है, मैंने काफी सारे रिटर्न भी जो है करे हैं। तो यहाँ पे जो है पॉलिसी वगैरह चेंज हो गई है। कई कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी को जो रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलती है, उस टाइम पे दिक्कत आती है तो आपको कस्टमर केयर को जो है कॉन्टेक्ट करना है, वहां पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये संडे की होने वीडियो काफी ज्यादा जो है आपको हेल्प कर रहा होगा। वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जो है कर दिए होंगे, और बैकग्राउंड में जो है गाने की आवाज आ रही, कौन सा गाना है कमेंट करके बताओ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी जो है क्वेश्चन है वहां पे डीएम करो, वहां पे मैं जो है रिप्लाई देता हूं। और बस नेक्स्ट क्यू ने वीडियो के लिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, और वीडियोस के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो लगते हैं वो आप चेकआउट कर लेना। बस आज की वीडियो में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं और स्पेशल लाइन